गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। अजीत जोगी का आज गौरेला में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने अजीत जोगी के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। स्वर्गीय जोगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज गौरेला में होगा। मोदी सरकार 2.0 की वर्षगांठ पर भाजपा का अभियान आज से होगा शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुभारंभ। केंद्र की मोदी सरकार की वर्षगांठ पर आज से शुरू होने वाले अभियान को सफल बनाने के लिए प्रमुख पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 23 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फेसबुक के जरिए अपने संबोधन से करेंगे। डिजिटल माध्यमों के अलावा घर घर संपर्क करके सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित किया जाएगा। लॉकडाउन के लंबे ठहराव के बाद बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। आज अंतरिक्ष में जाएगा स्पेस एक्स का रॉकेट। स्पेस में लिखा जाएगा इतिहास। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के रॉकेट का ऐतिहासिक प्रक्षेपण मौसम खराब होने की वजह से बुधवार को 17 मिनट पहले ही रोक दिया गया था। प्रक्षेपण के लिए अब आज दोपहर का समय तय किया गया है। जूम ऐप में आज से होने जा रहे कई बदलाव। सिक्योरिटी से लेकर फीचर्स तक होगा नया। वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म जूम ऐप आज से ज़बरदस्त बदलाव होने जा रहे हैं। एक ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि अगले महीने के अंत यानी 30 जून के पहले जूम को जूम रूम कंट्रोलर्स और जूम रूम्स के बीच इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा। यानी इसका कंटेंट काफ़ी सुरक्षित होगा और इसे हैक करना आसान नहीं होगा। आज कामकाजी पेशेवरों, शिक्षकों, छात्रों के बीच जूम एक घरेलू नाम है। हर कोई इस पर भरोसा करता है कि वह अपना काम करवाएं। लॉकडाउन 5 पर गुरुवार को कैबिनेट सचिव की मीटिंग में केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव देने के लिए आज तक का समय दिया है। बैठक में राज्यों के हालात को और बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। राज्यों से यह भी पूछा गया है कि 31 मई के बाद वे अपने राज्य में और कौन कौन से नए कदम उठाना चाहते हैं। पंजाब में लॉकडाउन हटेगा या बढ़ेगा, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे घोषणा। पंजाब सरकार लॉकडाउन हटाने और बढ़ाने का फैसला आज लेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज विभागों के साथ मीटिंग करके राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में जायजा लेंगे। इसके बाद ही वह कोई घोषणा करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट में सहमति बनी है कि जमीनी हकीकत का पता लगाने के बाद ही इस संबंध में अगला कदम उठाना चाहिए। मंत्रिमंडल ने गेहूं की निर्बाध खरीद को सुनिश्चित बनाने के लिए खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को भी बधाई दी है। 69,000 अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने तलब की विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट, आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 29 मई को पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद आज मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने जानना चाहा है कि उत्तर कुंजी के जारी करने से पहले अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर समुचित विचार किया गया है या नहीं। आज हो जाइए तैयार, 10 करोड़ लोगों को खत लिख रही है मोदी सरकार। कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर आज से पूरे देश में अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिखा एक पत्र 10 करोड़ घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की जानकारी के साथ कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने की जानकारी होगी। पत्र में इसमें विश्व कल्याण में भारत की भूमिका भी एक विषय होगा। कोविड-19 की वजह से पार्टी इस बार अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने को देश भर में 750 वर्चुअल रैलियाँ की जाएंगी। तकनीकी कारणों से बंद रहेगा दिल्ली का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, आज आ सकती हैं कई परेशानियां। भारतीय रेलवे ने तकनीकी कारणों के चलते दिल्ली स्थित पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को आज की रात 11:45 से 31 मई की सुबह 3:15 तक बंद रखने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बंद रहने से रेलवे की पूछताछ सेवा 139 पूरी तरह से बंद रहे। इसके अलावा टिकट रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, चार्टिंग, इंटरनेट बुकिंग, PRS इंक्वायरी जैसी सुविधाएं भी बंद रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को इस दौरान असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, 8 से सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे।
कोरोना संकट को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी होंगी जिसका पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।